जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस पर राजनीति और गरमा गई है। जिला विकास परिषद के चुनावी माहौल में बीजेपी ने गुपकार पर कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। हालांकि कांग्रेस ने खुद को गुपकार अलायंस से अलग बताया है, लेकिन बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने में लगी हुई है। गुपकार पर बीजेपी ने पूरी ताकत से हल्ला बोला है। बीजेपी के प्रभारी अनुराग ठाकुर श्रीनगर पहुंचे हैं। प्लान तो जिला विकास परिषद के चुनावों की तैयारी का है, लेकिन श्रीनगर की असली सियासत तो गुपकार पर ही गर्म हो रही है। जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर ले जाने का काम किया है, जो वायदा किया हमने वो भी पूरा किया। जो जम्मू कश्मीर ने कांग्रेस के कारण और कुछ परिवारों की राजनीति के कारण खोया है, अब उसको वापस ब्याज समेत लौटाने का समय आया है। हम विकास की बात करते हैं और कांग्रेस अलगाववाद की सोच के साथ चलने वाले लोगों के साथ, जिनका एक नेता कहता है चीन से मदद ले लो तो दूसरा बेटा कहता है कि पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। बीजेपी ने गुपकार के सवाल पर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने खुद को गुपकार अलायंस से अलग बताया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से हमलों की बौछार जारी है। देखिए, जो डायनेस्टी की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, उस डायनेस्टी की पॉलिटिक्स के जरिए डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते रहे हैं, और इस डायनेस्टी पॉलिटिक्स की डिस्ट्रक्टिव जो पकड़ थी वो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी की ताकत से, लोकतंत्र की शक्ति से पूरी तरह से कमजोर पड़ी है। और उस कमजोर पड़ने का नतीजा है कि आज ये गुप्तार गैंग खड़ा हो गया है। और ये गुप्तार जो डिक्लेरेशन है, ये कांग्रेस और उनके साथियों का पॉलिटिकल डाइंग डिक्लेरेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी है और कांग्रेस का, इस देश का इतिहास कांग्रेस का इतिहास, और इसलिए कांग्रेस के ऊपर किसी तरह के प्रश्न चिन्ह लगाना या किसी तरह की उंगली उठाना ये शोभा नहीं देता है। जम्मू कश्मीर में लंबे अरसे बाद सियासी एक्शन शुरू हुआ है। जिला विकास परिषद के चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। चुनाव स्थानीय हैं, लेकिन मुद्दे तो राष्ट्रीय ही हैं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब पाकिस्तान के इशारों पर नाचते हैं। जब इमरान खान और शी जिनपिंग का फोन राहुल गांधी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और सुश्री महबूबा मुफ्ती को आता है तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, और जब देश की जनता के सामने इनके काले कारनामे आते हैं तो ये जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनता को कभी गुमराह नहीं कर सकते। 370 और 350 खारिज नहीं करते, बल्कि अगले दिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, बाल्टिस्तान समेत, अक्साई चीन समेत जितने सारे हिंदुस्तान के इलाके हैं, सारे हम वापस कब्जा करेंगे। कश्मीर के सियासी अखाड़े में गुपकार पर वार पलटवार का दौर अभी जारी रहने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी जम्मू कश्मीर की पार्टियों के लिए तो ये वजूद का सवाल है, तो बीजेपी के पास कांग्रेस को घेरने का बड़ा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।